अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने बड़ा फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल को पंजाब असेंबली के इंतखाबात मुलतवी कर दिए। पंजाब में इंतखाबात अब 8 अक्टूबर को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात मुलतवी करने का बाज़ाब्ता हुक्मनामा जारी कर दिया है, जबकि इंतखाबात का शेड्यूल दोबारा जारी किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन की तरफ से यह कहा गया है, बाज़ाब्ता हुक्मनामा इसका जारी कर दिया गया, जिसे अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने बड़ा फैसला सुना दिया है। इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल को पंजाब असेंबली के इंतखाबात मुलतवी कर दिए हैं। पंजाब में इंतखाबात 8 अक्टूबर को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात मुलतवी करने का बाज़ाब्ता हुक्मनामा जारी भी कर दिया है। तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से बड़ा फैसला सामने आया है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे उस्मान खान से। उस्मान खान, हुक्मनामे में क्या वजह बताई गई है ताखीर की या मुलतवी करने की इलेक्शन को? देखिए, पंजाब के जो इंतखाबात होने थे 30 अक्टूबर को, उस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने एक वाजिया और एक बड़ा तहरीरी फैसला सुना दिया है। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी फैसले में कहा गया है कि जो 30 अक्टूबर को इंतखाबात होने थे उसको फिर वक्त जी उस्मान 30 अप्रैल के जो इंतखाबात है उन्हें 8 अक्टूबर तक ले जाया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। इलेक्शन कमीशन ने जो है वो पंजाब में आम इंतखाबात का शेड्यूल जो है वो वापस ले लिया है। पंजाब में अब आम इंतखाबात की पोलिंग 8 अक्टूबर को होगी। इलेक्शन कमीशन ने स्टेक होल्डर्स की ब्रीफिंग के बाद ऑर्डर जो है वो जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने जो ऑर्डर जारी किया है उसमें कहा गया है कि तमाम स्टेक होल्डर जो हैं, जिसमें पंजाब से IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर थे, चीफ सेक्रेटरी पंजाब सईद अख्तर जमान थे, और इसी तरह जो वजारत दफा और इंटेलिजेंस इदारों के जो हुकाम थे उससे इलेक्शन कमीशन ने तफसीली मुशावरत की थी। पंजाब जो निगरान हुकूमत थे उससे भी मुशावरत की थी, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने जो पंजाब में आम इंतखाबात के लिए जो जो सदर मुमलिकत ने तारीख दी थी उसको वापस कर दिया है। 30 अप्रैल को होने वाले अब आम इंतखाबात को मुलतवी कर दिया गया है, और इस तरह अब जो इलेक्शन कमीशन ने नई तारीख दी है ऑर्डर में वो 8 अक्टूबर की दी गई है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 8 अक्टूबर को जो है अब आम इंतखाबात होंगे। इस हवाले से चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू किया था, और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पंजाब के इंतखाबात के हवाले से सदर मुमलिकत से मुशावरत का कहा था, और सदर मुमलिकत ने पंजाब में तारीख दी थी कि 30 अप्रैल को पंजाब में इंतखाबात होंगे, जिसके बाद जो इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की सिक्योरिटी और दीगर उमूर के हवाले से ठीक है। उस्मान खान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।